हेलो एंड वेलकम टू टूडे फिजिक्स क्लास अब तक के वीडियोस में हमने देखा है टू पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं विच इज गवर्न बाय गुलाम्स लॉ आज हम देखेंगे अगर टू पॉइंट चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो किसी भी सिस्टम में तो टोटल फोर्स कैसे फाइंड करना है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस विच इज फाउंड बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल the statement of superposition principle is it states that if a system contains a number of interacting charges then the resultant force on any charge equals the vector sum of the forces exerted on it by all other charges इसका मतलब है किसी भी सिस्टम में अगर नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस हो मतलब दो पॉइंट चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा सारे चार्जेस का जितना फोर्स है मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें फाइव पॉइंट चार्जेस है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर एंड क्यू फाइव सारे चार्जेस आप, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ईच चार्ज इस्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर तो किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके मान लेते हैं हमें क्यू वन पे टोटल फोर्स फाइंड करना है तो जब क्यू वन पे टोटल फोर्स फाइंड करेंगे तो क्यू वन और किसी एक चार्ज के बीच का इंटर पहले देखेंगे मतलब दोनों के बीच का कुलॉम्स फोर्स पहले निकालेंगे तो जब दो चार्जेस के बीच में हम कुलॉम्स फोर्स फाइंड करेंगे ये एज्यूम करते हैं कि बाकी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है जैसे मान लेते हैं सिस्टम में क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस होगा क्यू वन और क्यू टू तो क्यू वन और क्यू टू के बीच का कुलम्स फोर्स है सपोज F12 यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुलॉम्ब्स फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो होता है वो बाकी चार्जेस के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जितना फोर्स होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा यहां पे हम जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस ऐड कर दें इसी तरह से Q1 और Q3 के बीच का जो कुल्स फोर्स है मान लेते हैं F13 है F1, Q1 और Q4 के बीच का जो फोर्स है वो F1 वन फोर्स एफ फोर है Q1 Q5 के बीच का फोर्स है F1 वन फाइव तो Q1 पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं F1 वन टू एफ वन थ्री एफ वन फोर एफ वन फाइव तो Q1 पे रिजल्टेंट फोर्स होगा इन चारों फोर्सेस का वेक्टर सम। दैट मीन्स फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस विल बी इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री प्लस एफ वन फोर प्लस एफ वन फाइव एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वी कैन डाइट एफ वन मतलब टोटल फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री प्लस एफ वन फोर प्लस एफ वन फाइव अगर यहां पे सिस्टम में पांच चार्जेस की जगह छह चार्ज होता है क्यू सिक्स भी होता तो हम यहां पे लिखते एफ वन सिक्स अगर सेवेंथ होता तो इसी तरह से तो अगर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज करेंगे द टर्म्स ऑन ऑफ कुल्स फोर्स विल इंक्रीज तो फॉर एन पॉइंट चार्जेस हम इन जनरल लिख सकते हैं एफ वन मतलब फोर्स ऑन एफ वन फोर्स ऑन क्यू वन विल बी इक्वल टू एफ वन टू एफ वन थ्री प्लस और जितने भी चार्जेस है अप टू एथ चार्ज तक इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन अब क्या करेंगे ये जो फोर्स है एफ वन टू क्या है फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू वन एंड चार्ज क्यू टू इसको हम कुल लॉ से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज रेफर दी लास्ट वीडियो इसी तरह से एफ वन थ्री और एफ वन एन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एज कैसे लिखेंगे मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है R12 और दोनों के बीच एक यूनिट वेक्टर है R टू वन जिसका डायरेक्शन है क्यू टू से क्यू वन की तरफ मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द क्यू वन एंड क्यू टू अलॉन्ग दिस डायरेक्शन और ये आर टू वन कैप क्या बता रहा है इस फोर्स एफ वन टू का डायरेक्शन इसी तरह से क्यू वन क्यू थ्री के बीच का डिस्टेंस आर वन थ्री और Q3 से Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर है दैट इज मान लेते हैं R31 थ्री वन कैप जिसका डायरेक्शन है F1 थ्री की तरफ इसी तरह से क्यू फोर और क्यू फाइव के लिए डिफाइन कर लेंगे तो हम टोटल फोर्स इन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं एज लेट एफ आर वन टू इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू आर टू वन कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वन So, by Coulomb's law, we can write the force between charge q1 and q2 is 1 upon 4 pi epsilon naught, product of the two charges q1 and q2, a square of the distance between the two charges that is r12 ka square, and the direction is specified by this vector r21 cap. Similarly, hum. चार्ज Q1 और चार्ज Q3 के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं एज एफ वन थ्री इज इक्वल टू वन अपन फोर पाय अपसा नॉट प्रोडक्ट ऑफ दी टू चार्जेस Q1 Q3 डिस्टेंस का स्क्वायर आर वन थ्री का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आर थ्री वन यूनिट कैप तो सेम वे में प्रोसीड करते हुए वी कैन फाइंड फोर्सेज ऑन एफ Q1, Q4, Q1, Q5 और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है तो द फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू एन चार्ज विल बी एफ वन एन वन अपन फोर पाई अपल नॉट क्यू वन क्यू एन क्यू वन क्यू एन के बीच का डिस्टेंस आर वन एन का स्क्वायर एंड द यूनिट वेक्टर आर एन वन कैप अब इन सारे वैल्यूज का जो एक्सप्रेशन ये है इसको हम रखेंगे इक्वेशन वन में तो इक्वेशन वन में जो जनरल फॉर्म आएगा वो है फोर्स ऑन एफ वन विल बी वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट सारे फोर्सेज में कॉमन है तो इसको हम कॉमन लिखेंगे विद इन ब्रैकेट आएगा क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू का स्क्वायर आर टू वन का कैप क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री का स्क्वायर और इसी तरह से प्रोसीड करते हुए क्यू वन क्यू एन बाय आर वन स्क्वायर आर एन वन यूनिट कैप यहां पर एक चीज देखना है जब हम Q1 पे चार्ज निकाल रहे हैं तो Q1 Q1 वाला टर्म नहीं है तो जिस चार्ज पे टोटल फोर्स निकाल रहे हैं वो चार्ज हर टर्म में रिपीट होगा उसके अलावा बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा इसी तरह से हम अदर चार्जेस पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं मान लेते हैं Q2 पे टोटल फोर्स निकालना है क्यू तो टू पे टोटल फोर्स किस तरह से लिखेंगे द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q2 टू ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस विल बी वन तो यहाँ पे चार्ज Q2 पे निकाल रहे हैं हर टर्म में Q2 टू रिपीट होगा Q2 Q1 क्यू वन बाई आर टू वन का स्क्वायर वेर आर टू वन इज डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू एंड क्यू वन यूनिट वेक्टर जो फोर्स के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है Q2, Q1 के बाद हम लिखेंगे Q2, Q3 थ्री यहां पे Q2, Q2 टर्म नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों दोनों सेम चार्जेस है बाकी Q2 रिपीट होगा अब और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपू टू Q1 टर्म तो इन जनरल हम लिख सकते हैं किसी भी चार्ज सपोज आयथ चार्ज के लिए हम इसको समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं एज आईथ चार्ज पे जो फोर्स होगा दैट कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन फोर पाई अप नॉट समेशन फ्रॉम एन एन इज इक्वल टू वन टू एन दैट इज यहां पे क्यू आई क्यू एन बाय आर आई एन स्क्वायर आर एन आई का कैप यहां पे जब हम चार्ज क्यू वन लेंगे तो यहां पर फोर्स एफ वन मतलब फोर्स ऑन Q1 और यहां पे n चेंज होता रहेगा वन से लेकर एन तक जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है सिस्टम में सो दिस बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस इज दी नोटेशन ऑफ द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज नेक्स्ट वीडियोस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे टू पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने देखा है कैसे फोर्स निकालते हैं अगर टू से ज्यादा हो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ट्रायंगल फॉर्म में दो चार्जेस तीन चार्जेस अगर है किसी स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल फोर्स निकालना है इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू